अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इस्माइल अली। आज आपको दिखाना जा रहा हूं काला मुर्गी और काला गोश्त। वैसे इसके गोश्त भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है और विटामिन भी बहुत है, जैसे कि ए बी सी और भी बहुत विटामिन होता है उसमें। आप लोग इसको मतलब स्किन के साथ खाए तो अच्छा विटामिन है, मतलब चमड़ी वगैरह वो सब गर्म पानी में डालकर और निकल लीजिएगा पांग वगैरह, बाद में आप लोग अच्छा से पीस कर खाइए। आप आज मैं दिखाऊंगा आपको वो मुर्गी कैसे कटिंग किया है, सब दिखाऊंगा, खाना भी खाया हूँ पूरा। वीडियो को देखिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। ये मुर्गी है ब्लैक, कोई इसका गोश्त भी ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक है। देखिए काला मुर्गी, इसका ये भी काला है, देख सकते हैं सब काला है, रुपया देख सकते हैं। गोश्त भी काला है, सब कुछ काला है। मुर्गी काला मुर्गी जो जो उसका गोश्त है काला मुर्गी का, ये मुर्गी का देखिए सब काला है, आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब गर्म पानी करके जो क्या है ना, इसलिए उसका गोश्त थोड़ा घिस गया है, जो थोड़ा सफेद जैसा लग रहा है, लेकिन दरअसल काला है। और एक बात आप देख लीजिए, वो एक गोश्त खा रहा है, कितना बड़ा पीस है। इस पीस का नाम है अल्फाम कबाबुल्ला और उसका नाम है मुजाहिद अली। अच्छा लड़का है, देख सकते। ये है हमारा अली भाई, अच्छा अली खन्ना। एक आदमी देखिए खा रहा है, आप लोग तो मुझे जानते हैं। इसका नाम है चिकन अल्फाम करीबा। ये देख सकते हैं हमारा वो पार्टी का है, देख सकते हैं वो चिकन है, वो सब सामान है। ये देखिए ए मुजाहिद, ये इंडिया के बड़े उठाने के लिए, ये हमारा वीडियो का
वीडियो फोटो कर रहा है, ये हमारा खास जो दावत पे बनाया है। ये देखिए काला काला गोश है, ये देख सकते हैं सब काला है, और इसका रंग देखिए भूरा है, और ये पीस है, ये नेक पीस हलना है, ये देखिए खीरा खीरा पीस है, ये ओनियन प्याज है, देख सकते हैं प्याज दोस्तों। आप लोग ने अभी देखा है कि इसका खाना, इसको कैसे खाया जाता है, कैसे किया जाता है। इसका गोश्त बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पहले भी बोला है। अभी अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका दोस्त इस्माइल अली।